हेलो बिगिनर्स आई होप यू ऑल आर फाइन आज का टॉपिक है स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक वाई क्वेरी प्रोसेसिंग इज नीड स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग इज ट्रांसलेट लो लेवल ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज टू हाई लेवल क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्वेरी प्रोसेसिंग जब हम एस्क्यूएल में क्वेरी एंटर करते हैं तब क्वेरी वो हम ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में एंटर करते वो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इसीलिए क्वेरी स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग वो ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज को हाई लेवल क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देता है क्वेरी प्रोसेसिंग गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग क्वेरी प्रोसेसिंग से हम क्वेरी प्रोसेस के जो भी स्टेप है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूदिंग यूजिंग दिस स्टेप वी कैन अंडरस्टेंड द होल क्वेरी प्रोसेस हम इस स्टेप की मदद से क्वेरी प्रोसेस कैसे होता है वो पूरा अंडरस्टेंड कर सकते हैं स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग देर आर थ्री स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेस फर्स्ट स्टेप पार्सर एंड ट्रांसलेटर सेकेंड ऑप्टीमाइजेश ऑप्टीमाइजर एंड थर्ड इवेल्युएशन स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेस मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होता है वो है पार्सर एंड ट्रांसलेटर सेकेंड है ऑप्टिमाइजर थर्ड है इवेल्युए लेट्स इज अ डायग्राम ऑफ स्टेप ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग लेट्स अंडरस्टैंड द होल डायग्राम क्वेरी क्वेरी मीन्स जो हम क्वेरी इनपुट करते हैं वो क्वेरी आफ्टर दैट पार्सर एंड ट्रांसलेटर उसके बाद है रिलेशनल एलजेब्रा एक्सप्रेशन उसके बाद है ऑप्टिमाइजर, थर्ड है एग्जीक्यूशन प्लान एग्जी इवेल्युएशन एनक्वेरी एंड क्वेरी आउटपुट लेट्स अंडरस्टैंड द वर्क क्वेरी मीन्स हम जो भी क्वेरी इनपुट करते हैं वो आफ्टर दैट वो हमारी की इनपुट की हुई क्वेरी पार्सर एंड ट्रांसलेटर मिल जाती है पार्सर एंड ट्रांसलेटर में पार्सर जो हमारी क्वेरी की सिंटेक्स चेक करता है अगर हमारी क्वेरी सिंटेकली रॉन्ग है तो वो हमें एरर शो करता है उसके बाद अगर हमारी क्वेरी सिंटेकली राइट है तो ट्रांसलेटर वो क्वेरी को ह्यूमन लेवल ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज से हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसके बाद हमारी क्वेरी रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन में जाती है रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन हम जानते हैं कितने सेवन है उसके बाद रिलेशनल एल्जेब्रा में से हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइजर में जाती है ऑप्टिमाइजर में हमारी क्वेरी किस किस तरह से इवेल्यूट हो सकती है वो पॉसिबल प्लान क्रिएट किया जाता है ऑप्टिमाइजर का काम वो होता है वो हमें सबसे बेस्ट और सबसे एग्जीक्यूट प्लान वो हमें देता है वो ऑप्टिमाइजर हमें इवेलशन प्लान देता है आफ्टर दैट इवेल्यूएसन प्लान इवेल्यूशन इंजिन में जाता है इवेल्यूशन इंजिन में हम जो भी प्लान ऑप्टिमाइजर ने तैयार किया है वो वो प्लान इवेल्यूशन इंजिन में जाता है उसके बाद इवेल्युएशन इंजिन हमारी क्वेरी को इवेल्यूएट करता है और हमें क्वेरी आउटपुट के तौर पर हमारे जो भी क्वेरी इनपुट की थी उसके रिजल्ट में रूप में हमें उसका आउटपुट मिलता है अब हम पार्सर ट्रांसलेटर ऑप्टिमाइजर और इवेल्युएशन इंजिन का पूरा वर्क डीप में अंडरस्टैंड करते हैं पार्सर मैंने जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया पार्सर इज यूज्ड टू चेक क्वेरी सिंटेक्स और एरर पार्सर हमारी क्वेरी में जो भी एरर है या सिंटेकली कोई मिस्टेक है वो हमें शो करता है ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द यूजर क्वेरी इनटू द रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री ट्रांसलेटर का दूसरा वर्क भी है वो हमारी क्वेरी को ह्यूमन लेवल ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में से मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है और वो मशीन लेवल लैंग्वेज को भी रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट करता है आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजर ऑप्टीमाइजर चूज द बेस्ट इवेल्यूएशन प्लान फॉर क्वेरी इवेल्यूटर ऑप्टीमाइजर हमारी क्वेरी के लिए जो भी बेस्ट प्लान होता है वो हमें फाइन करके देता है इवेल्युएशन इंजिन एग्जीक्यूट द क्वेरी इवेल्यूएशन प्लान जो भी प्लान ऑप्टीमाइजर ने तैयार किया है बेस्ट इवेल्युएशन प्लान उस पर इवेल्युएशन इंजिन वर्क करता है लेस्ट अंडरस्टैंड द होल द टॉपिक डीपली वर्किंग ऑफ पार्सर इसमें हम पार्सर का पूरा वर्क कैसे होता है वो क्या क्या चेक करता है वो देखेंगे क्वेरी इन टू द लो लेवल लैंग्वेज एंड समाइम यूजर गिव सिंटेकली रोंग क्वेरी ह जब हम कोई भी क्वेरी इनपुट करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में होती है और समटाइम हमारे से मिस्टेक हो जाती है तो हम सिंटेकली रोंग क्वेरी भी इनपुट करते हैं दीज आर सिंटिकली रोंग और राइट क्वेरी आर चेक विथ यूज ऑफ पार्सर पार्सल वो हमारी क्वेरी रोंग या राइट right है वो चेक करता है आफ्टर दैट वेन यूजर एग्जीक्यूट द क्वेरी धैन पार्सल चेक द सिंटेक्स इन द क्वेरी वेरीफाई द नेम ऑफ रिलेशन इन डेटा बेस एंड टप्पल एंड फाइनली चेक द रिक्वायर एट्रीब्यूट नेम जब हम क्वेरी जब हम कोई भी क्वेरी इनपुट करते हैं तब हम उसमें टेबल नेम लिखते हैं कोई भी रिलेशनल लिखते हैं एट्रीब्यूट लिखते हैं वो पार्सर चेक करता है कि वो टेबल में वो एट्रीब्यूट है या वो रिलेशन है या नहीं वो चेक करता है पार्सर क्रिएट अ ट्री ऑफ क्वेरी दैट इज कॉल्ड पार्स ट्री ये सब चेक करने के लिए पार्सर एक ट्री इवेल्यू एक ट्री बनाता है उसे हम पार्स ट्री कहते हैं आफ्टर दैट लेट्स सी सेकेंड वर्क वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर

ऑप्टिमाइजेशन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिमाइजर इज चूज द बेस्ट इवेल्युएशन प्लान जब हमारी क्वेरी रिलेशनल एक्ष, एल्जेब्रा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होकर आती है तब वो ऑप्टिमाइजर में इनपुट होती है ऑप्टिमाइजर हमारी क्वेरी को डिफरेंट डिफरेंट तरह से इवेल्युएट करता है और बेस्ट इवेल्युएशन प्लान सिलेक्ट करता है अ डेटाबेस सिस्टम जनरेट एफिशिएंट क्वेरी इवेल्युएशन प्लान डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंट क्वेरी को जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेलुएशन प्लान होते हैं उसके ऊपर ऑप्टिमाइजर काम करता है ऑप्टिमाइजर इज सिलेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजर है वो क्वेरी इवेल्यूशन प्लान सिलेक्ट करता है जिसका भी कॉस्ट सबसे कम हो और एफिशियट हो फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ क्वेरी द क्वेरी ऑप्टिमाइजर शूड ऑपरेशन ऑप्टिमाइजर हम जब हम कोई भी क्वेरी इनपुट करते हैं तब हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन यूज करते हैं तो वो रिलेशन को सॉल्व करने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वर्किंग ऑफ इवेल्युएशन उसके बाद हमने प्रीवियसली डायग्राम में देखा इवेल्यूएशन था इवेल्युएशन का हमने सिंपल वर्क बताया था जो ऑप्टिमाइजर ने जो भी प्लान दिया है उसके ऊपर वर्क करता है इन ऑर्डर टू फुलट क्वेरी सिस्टम इज वर्क ऑन क्वेरी इवेल्युएशन प्लान फॉर क्वेरी प्लान इट मे बी यूज डिफरेंट अल्गोरिदम पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन क्वेरी इवेल्यूशन प्लान में हम डिफरेंट डिफरेंट अलगोरिदम यूज करते हैं और हर एक क्वेरी को यूज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हो तो उसे हम यूज करते हैं सच रिलेशनल एलजेब्रा विथ रिफर टू एज इवेल्यूशन हम क्वेरी इवेल्युएट करने के लिए इवेल्यूशन प्रिमेटिव का भी यूज करते हैं वो सब इंक्लूड होता है क्वेरी इवेल्यूशन प्लान में इवेल्यूशन इवेल्युएट प्राइमरी प्रिमेटिव सॉरी कैरी द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर इवेल्युएशन प्लान जो इवेल्यूएशन प्रीमेटिव है वो क्वेरी को इवेल्यूट करने के लिए कौन सी कौन सी इंस्ट्रक्शन लगेगी वो क्वेरी करते हैं आफ्टर दैट अ क्वेरी इवेल्यूशन इंजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट द आउटपुट ऑफ द गिवन क्वेरी जो भी हमने क्वेरी इनपुट दिया है उसका क्या आउटपुट होगा उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल क्वेरी इवेल्यूशन इंजिन होता है थैंक यू